हे एवरीवन, मैं गुलशन कुमार एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो चले बिना देर के हुए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो तो आपको इस वीडियो का टाइटल देख करके पता चल ही गया होगा। सो बेसिकली आज मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, कराटे का स्पोर्ट्स रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, स्विमिंग पूल से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। कब शुरुआत होने वाली है, टाइम क्या रहने वाला है और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो बिना देर के आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपके लिए सारा कंटेंट यहाँ पे लेकर ले आया हूँ। क्या क्या मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, गोइंग टू डिस्कस फर्दर, आगे मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे लेकर ले आया हूँ। इसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, कौन कौन सा स्पोर्ट्स रहने वाली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट कौन कौन सा होगी वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी, डेट एंड टाइम, वो सारे कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आपके डैड के बाद मैं कौन सा स्पोर्ट्स कौन सा कैंपस में पढ़ता है वो मैं आपको थोड़ा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपका डैड जिम के बारे में सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑल अबाउट जिम, जिम के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। जिम से रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। और प्लीज यार, आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज दिस वन। सो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, ये सभी स्पोर्ट्स के आईटी में अवेलेबल है। और भी स्पोर्ट्स है, स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स, चेस, कैरम, कबड्डी, जिमनास्टिक, योगा, और भी कुछ कुछ स्पोर्ट्स है, छोटे छोटे स्पोर्ट्स है वो मैं यहाँ पर लिख करके नहीं लाया हूँ। जो जो आप लोग बेसिकली खेलते हैं वो मैं सारा स्पोर्ट्स यहाँ पर लिख करके लाया हूँ। जैसे मेनली लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। अब मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में आपको सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन चार्ज वन टाइम पेमेंट, आपको 4 ईयर में एक बार करना पड़ेगा। वेदर योर कोर्स इज अ 4 ईयर और 5 ईयर, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑल स्पोर्ट्स के लिए हो रही है। और सारा जिम और तो और स्विमिंग पूल वगैरह सभी कुछ इस रजिस्ट्रेशन चार्ज में आ जाती है। उसके बाद यदि आप जिम जाना चाहते हैं तो आपको अलग से 300 रुपीज पे करना पड़ेगा, और स्विमिंग पूल का भी अलग से 300 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा। जिम का भी 300 रुपीज पर मंथ और स्विमिंग पूल का भी 300 रुपीज पर मंथ अलग से आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के अलावा। सो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, यानी आपको ऑल स्पोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा फी नहीं देना पड़ता। रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, सारा स्पोर्ट्स इसमें फ्री आ जाती है। रजिस्ट्रेशन चार्ज में ही सारा स्पोर्ट्स कवरेज हो जाती है। सो स्पोर्ट्स के लिए आपको कोई स्पोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज डेट एंड टाइम। इसमें आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, टाइम क्या रहने वाली है जिम का और सारा स्पोर्ट्स का, वो सारी डिटेल्स मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, सो मैं बेकार की बातें नहीं करने वाला हूँ। सो अभी डेट के बारे में तो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, और टाइम क्या रहने वाला है वो तो मैं भी बताऊंगा ही, बट डेट के बारे में भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। कब से स्पोर्ट्स आपका स्टार्ट हो जाएगी, कब से जिम और स्विमिंग पूल सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। सो अभी मैं टाइमिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि आपका वीक में 7 डेज होती है, 7 डेज आपका इंडोर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होती है। सो आपको मंडे को सारा स्पोर्ट्स बंद रहती है, इंडोर स्पोर्ट्स बंद रहती है। मंडे को स्पोर्ट्स में होलीडे रहती है हमारे यहाँ, तो इंडोर स्पोर्ट्स सारा बंद रहेगी मंडे को। और विजू पटनायक इंडोर स्टेडियम वो सिर्फ ओपन रहती है, वहाँ पे आप जाके खेल सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट है, ये दोनों कोर्ट है वहाँ पे। और बाकी आउटडोर स्टेडियम, आउटडोर स्पोर्ट्स कहीं जाके कभी भी खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बट इंडोर के लिए आपको मंडे को बंद रहेगा, एक्सेप्ट विजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। सो वो टाइम के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली मॉर्निंग में आपका टाइमिंग रहने वाली है 6 AM to 10 AM, एंड उसके बाद इवनिंग में आपका टाइमिंग हो जाएगी 2 AM to 7 PM तक आपका इवनिंग में टाइम, इवनिंग में वो स्पोर्ट्स का टाइम रहती है, इंडोर स्पोर्ट्स का टाइम रहती है। आउटडोर स्पोर्ट्स तो आप कभी भी खेल सकते हैं, बट इंडोर स्पोर्ट्स का यही दो टाइमिंग होती है, 6 AM to 10 AM एंड 2 PM to 7 PM। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑन द जिम पेज। इस पेज में मैं बेसिकली आपको जिम के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले फीस स्ट्रक्चर बता दिया हूँ कि जिम का 300 रुपीज पर मंथ लगती है। उसके बाद और उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको 300 रुपीज पर मंथ पे करनी पड़ेगी यदि आप जिम लेना चाहते हैं तो। और ये जिम आपको सप्ताह में 7 दिन मॉर्निंग होती है और सप्ताह में 3 ही दिन आपको दोपहर में बंद रहती है। सो मॉर्निंग में आपका 6 AM to 10 AM तक जिम चलती है, और इवनिंग में आपका 2 PM to 7 PM तक आपका जिम का टाइमिंग रहने वाला है। अब मैं वो स्लॉट बता दूँ कि कौन कौन सा स्लॉट है जिम का मॉर्निंग और इवनिंग में। सो मॉर्निंग में आपका 6 AM to 7 AM चलेगा, उसके बाद 7 AM to 8 AM, देन उसके बाद
8 AM to 9 AM आपका मॉर्निंग में शिफ्ट रहने वाली है, उसके बाद एक और शिफ्ट 9 AM to 10 AM, देन उसके बाद आपका इवनिंग में शिफ्ट चलेगी जो कि होने वाला है 2 PM to 3 PM, सॉरी 2 PM वाला नहीं चलती है, 3 PM to 4 PM, 4 PM to 5 PM एंड 5 PM to 6 PM ये आपका इवनिंग टाइम होने वाली है। सो ये रहा बेसिकली ऑल अबाउट सीन, जिनका मैंने सारा डिटेल दे दिया आपको। रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होती है, कितना लगती है, 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगी, उसके बाद करना पड़ेगा सॉरी 300 रुपीज़ और उसका टाइमिंग मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता दिया हूँ। सो ये रहा टाइमिंग, ये 2 PM to 3 PM नहीं चलती है जी, सॉरी ये गलती से मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, 2 PM to 3 PM जी नहीं चलती है, इसके अलावा सभी कुछ वैलिड है। मिनिमम क्राउड किस में रहती है, तो मिनिमम क्राउड यदि आपके लिए भी स्लॉट ढूंढा जाए तो 6 AM to 7 AM इसमें सबसे कम क्राउड रहती है, जिम में सबसे कम क्राउड इसी में होती है 6 AM to 7 AM, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है जिम के लिए, बट मॉर्निंग में बच्चे उतने जाते नहीं हैं सो इसमें कम क्राउड रहती है, और 3 PM to 4 PM भी में भी बच्चे कम रहते हैं सो इसमें भी बहुत ही कम क्राउड होती है, सबसे ज़्यादा कम क्राउड 3 PM to 4 PM में होती है, और 2 PM to 3 PM तो जिम चलते नहीं है, तो मैं लिख दिया हूँ उसके लिए माफ करना। सो दिस इज ऑल अबाउट जिम एंड प्लीज़ यार तुम सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। इस वीडियो का वो वॉइस में कुछ गड़बड़ी आ गई है जो आपको बीच बीच में फील हुआ भी होगा, क्योंकि क्या हुआ ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता है पता नहीं क्या हुआ, ऑडियो में कुछ कुछ गड़बड़ी आ गई है, ऑडियो ढंग से चल नहीं रहा है, सो मेरे को वीडियो एडिटिंग के टाइम ऑडियो इंसर्ट करना पड़ रहा है इस वीडियो में, जैसे मैं अभी अपना ऑडियो को इंसर्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, वीडियो एडिटिंग के टाइम कर रहा हूँ, वीडियो जिस टाइम वीडियो बनाया था उस टाइम का ऑडियो मेरा बेकार हो चुका है, अभी का स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक था बट अब पूरा बेकार हो गया लास्ट में, पता नहीं क्या हो गया है, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ, ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, सो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग रही है यार, डबल मेहनत करनी पड़ रही है, वीडियो एडिटिंग के टाइम मेरे को अपना ऑडियो इंसर्ट भी करना पड़ रहा है टाइमिंग मैच कर करके। सो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो यही रहा बॉलीवुड जिम, ओह लास्ट PPT आ गया, नहीं नहीं लास्ट PPT नहीं है, इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा और कैंपस के बारे में बताने वाला हूँ, आपके कौन कौन से कैंपस में स्पोर्ट्स खेला जाता है। सो आपको फर्स्ट ईयर वालों के लिए कैंपस 10, कैंपस 12 और बिजु पटनायक इंडोर स्टेडियम, ये तीनों यानी कैंपस 13, ये तीनों फर्स्ट ईयर वालों के लिए होती है, इसमें सेकेंड थर्ड ईयर वाले भी खेलते हैं बट कैंपस 10 है ना वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही है, और कैंपस 12 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी को खेलते हैं, 13 में भी सबको खेलते हैं, बस कैंपस 10 है जो फुली रिजर्व होती है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और बाकी सारा कैंपस में सारे ईयर के बच्चे खेल सकते हैं। सो इसके साथ हम अपने वीडियो को एंड करना चाहते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आई थी उसके लिए माफ करना थोड़ा।